दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, यदि आप कभी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें ग्रीन स्क्रीन का कितना अहम रोल हो जाता है आपको पता ही होगा। गाइस, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा 9 से आप किस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। वैसे वंडरशेयर फिल्मोरा 9 जो अपडेट हो चुका है, जो कि फिल्मोरा 9 से अब फिल्मोरा 10 और X भी प्रेजेंट हो चुका है, तो सारी चीज़ों में सारी सेम चीज़ें हैं। आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि ये कितना आसान है और इसे आप कितनी ईजी तरीके से इस वीडियो के थ्रू आप अपनी वंडरशेयर फिल्मोरा से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपने फिल्मोरा 9 है जैसे कि मेरा यहाँ पे, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसका कुछ इस प्रकार का फीचर यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जिस पे हमें ग्रीन स्क्रीन लगानी होगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और वो फाइल चूज़ कर लेता हूँ जिस पे मुझे ग्रीन स्क्रीन पहले लगानी। तो यहाँ से मैं फाइल चूज़ कर लेता हूँ, ये वाली फाइल है, और इसे मैं ओपन पे क्लिक करके, तो ये रही मेरी फाइल। अब इसे मैं ड्रैग एंड ड्रैग कर लेता हूँ, इसे यहाँ से सिंपली इस फॉर्मेट में यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, अब मुझे ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे चूज कर लेना है, क्योंकि इसे प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे ज़रूर शो कराना होगा। तो मैं एक फाइल और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जो कि ग्रीन स्क्रीन की होगी, और ये रही मेरी जो ग्रीन स्क्रीन वाली फाइल, और इसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। तो ये भी मेरी एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ पे एक्सपोर्ट होने के बाद इसे उस फाइल के ऊपर लगाना है जिस पे हमें ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। ठीक है, तो इसे मैं सिंपली बीच में आपको दिखा देता हूँ इसे प्ले करके। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन है और ये मेरी जो फाइल है वो नीचे है, पर इसे मुझे ये पूरा जो ग्रीन स्क्रीन का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन मेथड बताऊंगा। देखिए, सिंपली पहला तरीका क्या होता है कि इसके आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर इसे दो बार क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर आपको इस प्रकार का फॉर्म नज़र आएगा जिसमें देख सकते हैं एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको क्रोमा की का, जो कि आपको फोर्थ नंबर में मिल जाएगा, और इसे आप यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा ग्रीन स्क्रीन था वो रिमूव हो चुका है, और आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न नज़र आएगा और आप इसे ओके कर दीजिएगा। अब देखिएगा ये किस प्रकार से ये हो रहा है, तो आप देखेंगे थोड़ा मेरा ये जो है इसे कलर जो है यहाँ पे बेल आइकन का वो थोड़ा सा है, तो इसे हम एडजस्ट भी कर लेते हैं। किस प्रकार से एडजस्ट करना है, तो आपको सिंपली फिर से वहीं पे एक दो बार क्लिक करना है, आप सिंपली इसी पेज में पहुँच जाएंगे और ऐसे थोड़ा सा देखिए, अब ये जो हमारा जो बेल आइकन है वो सब यहाँ पे इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसे जैसे कि आप इसे कलर, जैसे किसी के ब्लैक कलर होता है, तो इसमें भी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा कि आपको कौन सा कलर क्रोमा की में, मतलब जो बैकग्राउंड कलर है उसे रिमूव करना है। तो इसे आप, यदि आपका कोई ब्लैक कलर हो या फिर ग्रीन कलर हो, ज़्यादातर तो ग्रीन ही कलर होता है, अगर आप कोई सा भी कलर हो तो उस पर आप इस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं इसे सेलेक्ट करके। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब दूसरा एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरी तरीके से ये आसानी से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ये है आपको ऑप्शन यहाँ पे डिलीट का, कट का, क्रॉप का, और स्पीड का टाइम मिल जाता है, यहाँ पे पेंटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक यहाँ पे एक ऑप्शन इस प्रकार का शो होता है, सिंपली आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है, और आप देखेंगे कि आपका जो क्रोमा की है वो वहाँ पे से हट चुका है और आपकी ग्रीन स्क्रीन यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब इसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा साइड में से लगाना है, क्योंकि जो हमारा जो सब्सक्राइब बटन होता है ना, तो वो थोड़ा सा इसे इसको छोटा कर देता हूँ, और इसे एडजस्टमेंट भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से शो हो रहा है। तो गाइज, आप लोगों ने देखा ना किस प्रकार से इजी तरीके से हम यहाँ पे क्रोमा की का यूज़ करके और अपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।